अब तक तो भारत यह आरोप लगाता रहा था कि पाकिस्तान की सत्ता का मुख्य नियंत्रण सेना के हाथों में है, लेकिन अब यह बात पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने भी बोलना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में विपक्ष के एक नेता ने तो अपने प्रधानमंत्री इमरान खान की तुलना बंदर से कर डाली। इसे लेकर उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक ड्राइवर वर्दी में है, उसने बस की स्टीयरिंग के ऊपर बंदर बैठाया हुआ है और बंदर समझता है कि वाकई मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, जबकि वास्तव में वर्दी वाला गाड़ी चला रहा है। यहाँ मौलाना फजलूर ने इमरान की तुलना बंदर और वर्दी वाले की तुलना पाकिस्तानी सेना से की है। पाकिस्तान में चुनाव के बाद से ही विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इमरान सेना के सहारे ही चुनाव जीते हैं और पाकिस्तान की सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण सेना का ही है। यहाँ पाकिस्तानी नेता ने जिस वीडियो का जिक्र किया है वो भारत के कर्नाटक का है। वीडियो में कर्नाटक स्टेट बस का एक ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर खाकी वर्दी पहने हुए है और उसने एक लंगूर को स्टीयरिंग व्हील पर बैठा रखा है। ये वीडियो इसी माह में बनाया गया बताया जा रहा है। वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और इसका इस्तेमाल अब पाकिस्तान में विपक्षी दल सरकार पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी ओर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक परिवहन निगम ने कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर को काम से हटा दिया है और जाँच शुरू कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।